पिछले कई सालों के आईआईटी और नीट के हाई परफॉर्मर्स या टॉपर्स की बात करी जाए तो ये देखा गया इनमें से ज्यादातर बच्चे स्कूल्स नहीं जाया करते थे या बहुत सारे डमी स्कूल्स से भी जुड़े हुए थे। अदरवाइज कई ऐसे रेगुलर स्कूल्स में थे जहां स्कूल्स ने बच्चों को रिलैक्सेशन दे रखा था क्योंकि वो स्कूल टॉपर्स थे कि बेटा मन करे तो स्कूल आओ नहीं तो नहीं आओ, क्योंकि स्कूल को कॉन्फिडेंस था कि ये बच्चे अगर जेई नीट पर भी फोकस करेंगे तो एनसीईआरटी इतना अच्छे से बैलेंस करेंगे कि बोर्ड भी टॉप करेंगे, आईआईटी नीट भी सेलेक्ट होंगे और फाइनली नाम स्कूल का ही होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हजारों लाखों ऐसे बच्चे जिन्होंने इसी सोच के साथ डमी स्कूल्स को अडॉप्ट किया, फॉलो किया, लेकिन वो ना तो आईआईटी और नीट में अपनी जगह बना पाए और ना ही बोर्ड में कुछ कर पाए, जिसका खामियाजा बोर्ड की मार्कशीट का उन्हें आने वाले कई सालों तक भुगतना पड़ा। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही फैक्टर्स बताने वाला हूं कि अगर आप डमी स्कूल ऑप्ट कर चुके हैं और 11th 12th में हैं तो आपको किन फैक्टर्स को संभालना जरूरी है, अदरवाइज आने वाले टाइम में आपको दिखने लग गया होगा चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं और प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं जा रही। और अगर आप ग्रेड 10 में ये डिसीजन लेने वाले हैं कि अगले साल में क्या करना है तो इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा जरूर देख लेना। सो आई एम गोइंग टू टॉक अपॉन डमी स्कूल्स आर गुड और बैड। सर्टेनली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमारी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन एक ऐसे सिस्टम पे टिकी हुई है जहां पे आपको काफी टाइम की जरूरत होती है। पहला फैक्टर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यानी अगर आप मॉर्निंग में पूरा टाइम स्कूल में दे दें और इवनिंग में कोचिंग करते हैं या अपनी पूरी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पे लगते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता और जेई नीट की प्रिपरेशन में आप बहुत अच्छे लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पाते। सो आपको यही फैक्टर मैं बताऊंगा कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सो सीधा सा तरीका तो यही है कि या तो डमी स्कूल ज्वाइन करो या स्कूल को रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाओ, यानी स्कूल से आप रिलैक्स हो। लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं, यहां पे जो बैड वाला फैक्टर है उसके बारे में बता देता हूं। कई स्टूडेंट जो डमी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं वो रात को लेट तक करीब 2 या 3 बजे तक अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, मॉर्निंग में 8 या 9 बजे उनकी नींद खुलती है, मॉर्निंग लेजीनेस रहती है और उसका नतीजा ये होता है कि 10, 11, 12 बजे तक तो अपना फ्लो बनना शुरू होता है पढ़ाई का, 1, 2, 3 बजे तक कोचिंग जाने का टाइम आ जाता है, फिर रात को कोचिंग से आके टायर्डनेस रहती है। लेकिन जैसे तैसे लगते हैं तो दिन भर में इफेक्टिवली 4 या 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट का कि डमी स्कूल होने के बावजूद हमारा बैकलॉग कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप भी किसी स्कूल में हैं और उसके बावजूद आपके बैकलॉग कलेक्ट होते जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना और इस बैकलॉग को इस वीडियो के साथ यहीं छोड़ना है, ऑनेस्टली लिखो और जो फैक्टर्स मैं बताने वाला हूं उनको फॉलो करना शुरू करो। सेकंड फैक्टर इज डिसिप्लिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, लेकिन यह डिसिप्लिन मैनेज कैसे होता है? आई स्ट्रांगली सजेस्ट जिन स्टूडेंट्स के स्कूल्स ऐसे हैं, या मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे स्कूल्स चूज कीजिए जो स्कूल्स आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप स्कूल आ सकते हैं, जिन दिनों में प्रैक्टिकल्स होते हैं या कोई 5th सब्जेक्ट या लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं। आजकल बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 ही दिन आपको कॉल करते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज 5th सब्जेक्ट कवर किया जाता है और प्रैक्टिकल्स आपके उन्हीं 2 दिनों में कवर हो जाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि उन 2 दिनों में आप अपनी थर्ड फैक्टर यानी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस आउट कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है स्कूल कोऑर्डिनेशन का और आपकी जेई नीट की प्रिपरेशन का। जेई नीट में एक्सेल लेवल के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को हाई परफॉर्मेंस पे ले जाने के लिए बॉडी क्लॉक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट हैज टू बी फिक्स्ड ऑन डे टू डे बेसिस, इट शुड नॉट चेंज। यानी अगर आप हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के लिए मॉर्निंग में लगभग 5:30-6 बजे उठते हैं, 7 बजे तक तैयार होकर दूध पी के स्कूल चले जाते हैं, 2 बजे तक वापस आते हैं, फिर रिव्यू करते हैं चीज़ें, शाम को कोचिंग करते हैं और रात को अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू फिक्स योर बॉडी क्लॉक एंड योर टाइम मैनेजमेंट विल बी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। ये बॉडी क्लॉक आपका टाइम मैनेजमेंट फिक्स करेगी। कैसे? अगर आपको आज स्कूल नहीं भी जाना है, जैसा मैंने आपको बताया स्कूल रिलैक्सेशन इज मस्ट, आप अगर डमी स्कूल में हैं भी तो आप मॉर्निंग में 5:30-6 o'clock उठिए, दूध पीजिए, तैयार होइए, फ्रेश होकर अपनी स्टडी डेस्क पे आ जाएं और दोपहर में 2 बजे तक जितना टाइम है लगातार अपने एकेडमिक्स को मैनेज कीजिए। एकेडमिक मैनेज करने के लिए कई वीडियोज मैं पहले भी दे चुका हूँ और आपको बहुत टाइम अपनी रीडिंग पे भी देना है। अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन इमीडिएटली एट t.me/forthegalaxyworld, जहां पे बहुत सारे रीडिंग रिसोर्सेज जेई नीट एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जिन्होंने पिछले सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जबरदस्त बूस्ट किया है। तो जेई नीट के लिए दिस चैनल इज एसेंशियल, आई स्ट्रांगली सजेस्ट डू नॉट मिस इट आउट, ज्वाइन इमीडिएटली। आपका टाइम मैनेजमेंट स्लॉट फिक्स अपने आप होगा और वो मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है आप इसमें एकेडमिक्स को मैनेज करें, प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें। राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस शेड्यूल। उसके बाद अगर 3-4 बजे आपको कोचिंग जाना है तो उसको रिव्यू करें, कोचिंग से आने के बाद अपनी कोचिंग की चीज़ों को एक बार वापस से आज जो पढ़ाया गया वो रिव्यू करें और रात को 10, 10:30, 11 बजे जब भी पहली बार झपकी आई है, मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इमीडिएटली गो टू बेड। मॉर्निंग में वेकअप टाइम शुड बी फिक्स, योर वेकअप टाइम मस्ट बी अराउंड 5 to 6 a.m. इन
इस एक घंटे के बीच में ही आपको अपना टाइम ऑफ वेकअप रखना है ताकि आप अपने रूटीन को फिक्स कर सकें। और जो स्टूडेंट प्योर डमी में आ चुके हैं जहां पे स्कूल जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो भी अपनी बॉडी क्लॉक को, जो मैंने अभी शेड्यूल बताया, उस पर स्ट्रांगली डिसिप्लिन करें, बॉडी क्लॉक को डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आप रियलाइज करेंगे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर पा रहे हैं। और जहां डेली 4 से 5 घंटे का टाइम मिलता था रेदर देन गेटिंग इन टू नाइट स्टडी, जहां पे एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन होता है कि शांति से पढ़ाई हो रही है, वेयर एज आपका दिन भर में दिमाग थका हुआ होता है, तो थका हुआ दिमाग ज्यादा समझ नहीं पाता, इसलिए शांति में कंटेंटमेंट फील होता है। उस स्यूडो सेटिस्फेक्शन से बाहर आए और पूरे दिन एनर्जेटिकली अपने आप को मेंटेन करके डिसिप्लिन से पूरे दिन को शेड्यूल कीजिए। आप रियलाइज करेंगे भले वो डमी स्कूल हो या हफ्ते में 1 या 2 दिन वाला स्कूल हो, आप अपनी पढ़ाई को बैलेंस कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स अब तक बहुत हाई परफॉर्मर्स रहे हैं, जेईई नीट में टॉप करें, उन्होंने अपनी बॉडी क्लॉक को फिक्स रखा है और एक स्टैटिक शेड्यूल पर रहे हैं। धीरे धीरे वो टाइम आ जाता है जब आप 15-20 दिन भी स्कूल लगातार नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होगी। और जहां बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होने लगे, इमीडिएटली 2-3 दिन लगातार स्कूल जाना शुरू कर दीजिए अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो। एंड दिस वीडियो I am compiling for those students who are already in dummy schools or those who are going to choose the school. Ideal schools are those which are helping you out in your JEE NEET preparation by giving you relaxation, ताकि आप अपनी attendance को manage कर सकें for practicals, language and fifth subject, rather than getting into deep into other things. और fifth subject और language को आप अपने library period में या school में ही complete कीजिए ताकि घर पर time देने की ज़रूरत ना पड़े। Otherwise fifth subject और language अगर आप घर पर भी पढ़ते रहे तो आपका कहीं ना कहीं time management disturb होगा। So that's what I wanted to communicate to all of you. Wish you all the very best for the coming time and excellence in JEE and NEET for you.